देखिए डिवीजन कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हेयरिंग जो है केजरीवाल जी की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारे लीगल डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। देखिए ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेके आ जाती है, जबकि अब जुडिशियल कस्टडी की उनकी एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे को 14 दिन की 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी मिल सकती है, हम लोग अभी नहीं ले रहे, बाद में हमारा नहीं है। तो जबकि कानून बिल्कुल क्लियर है कि 15 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं, जो कस्टडी उनकी होगी तो जुडिशियल कस्टडी होने के बाद अब रेयर टू रेयरेस्ट केस में दोबारा वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी होगा तो देन फर्दर डिसाइड करेगी कोर्ट। देखिए कानून के अंदर जो प्रावधान है जी उसके अकॉर्डिंगली सरकार चलेगी, और उसमें जो भी जेल मैनुअल्स और जो, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हो रहा है कि एक सर्विंग मुख्यमंत्री जो है वो जुडिशियल कस्टडी में। मुख्यमंत्री जी को बार बार दिल्ली की जनता ने आपको देखा कल बहुत बड़ी रैली के अंदर ये सवाल पूछा गया कि भी आप क्या चाहते हैं। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जो देखना चाहती है, वो देश के बहुत पॉपुलर नेता है। किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल जी कंटिन्यू करेंगे, क्यों? क्योंकि वो आरोपी नहीं है, उनके खिलाफ जो भी एलिगेशन लगाए गए वो अभी किसी भी तौर पर पूरी नहीं हो। देखिए ईडी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं। वो लोग हमारी पार्टी को पूरी तरीके से निस्तनाबूत करना चाहते हैं। हमारे लीडर्स को, टॉप लीडर्स को जेल में ऑलरेडी डाल चुके हैं, लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि आज घर घर में केजरीवाल जी पैदा हो चुके हैं। केजरीवाल जी एक सोच है, एक विचार है, उन्होंने जिस तरीके से बेनिफिट की स्कीम चला के और प्रॉफिट का बजट दिया है, ऐसे नेता को, पढ़े लिखे नेता को, ऐसी पार्टी को, एक एक कार्यकर्ता हमारा पूरी तरीके से, मैं भी केजरीवाल ये मुहिम आपने देखा और पूरे देश में ये मुहिम चलेगी, और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक पाएगा, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि नरेंद्र मोदी जी का काल अगर कोई है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल।